पंजाब आईपीएल की प्लेऑफ रेस से बाहर, बेंगलुरु ने 60 रन से हराया कोहली। सेंचुरी चूके सिराज को 3 विकेट। पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किंग्स को उसी के होम ग्राउंड पर 60 रनों से हराया। पंजाब इस सीजन में लीग राउंड से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी है। एक दिन पहले हैदराबाद की लखनऊ पर जीत के साथ मुंबई इंडियंस की टीम बाहर हो गई थी। गुरुवार को बेंगलुरु ने किंग्स को सीजन में दूसरी बार हराया है। बेंगलुरु की इस सीजन में लगातार चौथी जीत है। टीम 10 अंक के साथ सातवें नंबर पर आ गई है। इस जीत से टीम ने अपने प्लेऑफ में क्वालिफाई होने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बेंगलुरु को आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे, साथ ही अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए। विराट कोहली ने 92, रजत पाटीदार ने 55 और कैमरन ग्रीन ने 46 रन बनाए। पंजाब से हर्षल पटेल ने 3 और विद्वत रनचेज ने पंजाब किंग्स से 17 ओवर में 181 रन बनाकर सिमट गई। टीम से रायली रूसो ने 61 रन बनाए। वहीं शशांक सिंह 37, जॉनी बेरस्टो 27 और सैम करन 22 ही रन बना सके। बेंगलुरु से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। कर्ण शर्मा, स्वप्निल सिंह और लोकी फर्ग्यूसन ने 2-2 विकेट लिए। अर्शदीप भी आउट। बेंगलुरु 60 रन से जीता। 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर पंजाब ने 10वां विकेट भी गवा दिया है। सिराज ने अर्शदीप को कर्ण शर्मा के हाथों कैच कराया। इसी के साथ टीम आईपीएल के मौजूदा सीजन की प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स ने 60 रनों से हराया। बेंगलुरु ने अपनी उम्मीदें जीवित रखी हैं।